स्टार्ट करना है 6.2। 6.2 में हमें पढ़ना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो आपका कोई भी फंक्शन जो है fx, वो कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मार्कर टूट गया। जैसे देखो आपका कोई भी फंक्शन है fx, हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर उसका ग्राफ हमारा इंक्रीज होता है या कांस्टेंट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, तो उस केस में हम बोलेंगे इसको इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस कंडीशन के लिए हमारा एफ डैस एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब देखो एफ डैस एक्स का मतलब होता क्या है, एफ डैस एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स, किसी पॉइंट पे एक्स पे, ठीक है। अब एफ डैस एक्स का मतलब होता है स्लोप, और एक्स एक्सिस का जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, वो कितना होता है जीरो। और आपको ये भी पता होगा कि पैरेलल की कंडीशन में हमारे स्लोप होते हैं बराबर, ठीक है। तो जब मेरा कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, उस केस में हमारे स्लोप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा एफ डैस एक्स क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। और हमारा एफ डैस एक्स मतलब स्लोप इसका ग्रेटर देन जीरो कब होता है, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, जब जब हमारा इंक्रीज करेगा उस केस में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा ग्राफ इंक्रीज हो सकता है कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे कि एफ डैस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा इंक्रीजिंग कंडीशन में, ठीक है। फिर हमारे पास एक आता है डिक्रीजिंग कंडीशन, कि डिक्रीजिंग कब होगा हमारे पास, कोई भी फंक्शन जब ये x है y है, आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, फिर कॉन्स्टेंट हो सकता है डिक्रीज हो सकता है, मैं कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। सेम इसमें भी होता है, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, तो इस केस में हमारे पास एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। और एक कंडीशन होती है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो सिर्फ इंक्रीज रहेगा, वो कुछ और नहीं कर सकता, मतलब आपका जो ग्राफ रहेगा वो सिर्फ इंक्रीजिंग मोड में रहेगा, कभी कांस्टेंट भी नहीं हो सकता और डिक्रीज तो कभी होगा ही नहीं। इस केस में हमारा जो इसका स्लोप होता है एफ डैस एक्स, वो हमारा क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। सेम हमारा आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमारे पास ये हो गया एक्स वाई, यहाँ पर आपका सिर्फ डिक्रीज होता है कर, और इस केस में एफ डैस एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। आपकी सारी थ्योरी यही है 6.2 के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, आपको बस ये चार पॉइंट याद होने चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें इक्वल टू जीरो भी होता है, स्ट्रिक्टली वाले में इक्वल टू जीरो नहीं होता, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस का 3x है, अब इसे मुझे चेक करना है कि कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग मोड है, तो हम इसका ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं। देखो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया, तो एक्स वाई, एक्स को हमने 0 पुट किया, वाई आ गया 2, 1 पुट करने पे आ गया 5, और माइनस 1 पुट करने पे कितना आ गया, माइनस 1 आ गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो 2, 3, 4, 5, देखो 0 पे 2 है, 1 पे 5 और -1 पे -1, हमारे पास ग्राफ बन गया, ये मेरा आ गया ग्राफ, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 प्लस का 3x, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ग्राफ सीधा सीधा हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या है इंक्रीज। ये ग्राफ क्या कभी हमारा कॉन्स्टेंट या फिर कभी डिक्रीज हो सकता है, नहीं, हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा इंक्रीजिंग मोड में रहेगी, तो इसलिए क्या हो गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब हम इसे अपनी डेफिनेशन के मोड से देख सकते हैं, डेफिनेशन मतलब डेरिवेटिव करके क्या आ रहा है इसका, जब मैंने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा ग्राफ क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें वो बोलता है इंटरवल, मतलब वो क्या करता है ग्राफ वो अपनी पोजिशन चेंज करता है, जैसे हमने बेसिक पढ़ा हुआ है क्या, साइन x, y इज इक्वल टू साइन x अगर y, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन x, तो इसका आपको ग्राफ पता है क्या होता है, ये हो गया पाई बाई टू, ये पाई, 3π/2 और ये 2π, ये माइनस का π/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, मैं 1 और -1 ही ले रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बाहर जाती नहीं, ठीक है। अब देखो साइन 0 इज 0, साइन 90 1,
साइन पाई जीरो, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन, साइन टू पाई जीरो। तो आपका एक ग्राफ बन गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस पाई बाई टू पे होता है माइनस वन, फिर माइनस पाई पे होता है हमारा जीरो। इस तरीके से ग्राफ चलता रहता है, ठीक है। अब ग्राफ तो आगे तक बहुत जा रहा है, कई बार इंक्रीज हो रहा है, कई बार हमारा ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। अगर सपोज करो मैं इसको सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज आपके पास x लेस देन टू पाई, बस मैं इसके बीच में चेक करना चाहता हूँ, जीरो से लेकर के टू पाई के बीच में, मतलब दूसरा पॉइंट मेरा हो गया ये वाला, मैं बस इन दो लाइन के बीच में इसको चेक करना चाहता हूँ कि हमारा कब ग्राफ इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज। तो देखो जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक ग्राफ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ से यहाँ पे आपका ग्राफ हुआ इंक्रीज, उसके बाद फिर दूसरा इंक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ से थ्री पाई बाई टू से लेकर के टू पाई तक। इन दो कंडीशन पे आपके पास क्या हो रहा है, इंटरवल में हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोलेंगे अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाई टू यूनियन थ्री पाई बाई टू 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 पाई, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस में, पाई बाई टू से लेकर के थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो इसको लिखोगे पाई बाई टू से लेकर के थ्री पाई बाई टू, ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारा ग्राफ हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मगर क्योंकि साइन एक्स का हमारा जो ग्राफ है वो बहुत सिंपल है, हम इसे बना के एनालिसिस कर सकते हैं इसके लिए। मगर और जो फंक्शन होते हैं जिनके हमें ग्राफ याद नहीं है, उनका बनाने में टाइम लगता है, और फिर वो पता नहीं किस पॉइंट पर जाके इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो देखना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसका डेफिनेशन वाला पार्ट यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे कि हमारा कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, उसके लिए डायरेक्टली करके चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स माइनस का फाइव। इसने बोला है कि फाइंड इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ एक्स इज फर्स्ट पार्ट में इंक्रीजिंग, सेकेंड डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कंडीशन है तो, ठीक है ना, आपको इसके इंटरवल निकालने। तो देखो आपको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स माइनस फाइव। आप इसका डायरेक्टली करोगे एफ डैस एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस का सिक्स। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ डैस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमने पढ़ा है। ये मैं डायरेक्ट इसलिए पुट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर से हम इनइक्वालिटी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आएगा 4x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 बाई टू। तो इसका जो इंटरवल आ गया क्या आ गया, माइनस 3 बाई टू भी ले सकता है, तो उस पर क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक है। अगर सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4 डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 बाई टू, ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 बाई टू पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसका थर्ड पार्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन माइनस 3 बाई टू, माइनस 3 बाई टू आ गया ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटरवल इसका माइनस 3 बाई टू से इन्फिनिटी, यहाँ पे ऊपर इंटरवल आएगा क्योंकि माइनस 3 बाई टू वैल्यू नहीं ले सकता। फोर्थ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब एक्स इज लेस देन माइनस 3 बाई टू, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 बाई टू, ये हमारे पास इसके इंटरवल आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या था, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या था, लीनियर इक्वेशन थी जिसकी इनइक्वालिटी सॉल्व आराम से हो जाती है। अगर आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, और उससे अगर हमें करना हो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 11 में ये देखना आ रहा है, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स और प्लस का 30। यहाँ मुझे क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर
माइनस का 12x माइनस का 72x का 130 का 0। अब हम यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 12x square माइनस x माइनस का 6। ठीक है, अगर इसके तो देखो फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, x प्लस का 2 और x माइनस का 3, है ना, यही फैक्टर हो रहे हैं इसके। देखो माइनस 6 और 2x माइनस का 3x माइनस का 1। अगर सपोज करो किसी के फैक्टर नहीं हुए तब क्या करोगे, तो हम यहाँ पे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि वो चीज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, फिर वो डायरेक्ट पता लग जाएगा, या फिर वो इंक्रीजिंग ही होगा या फिर वो डिक्रीजिंग ही होगा, वहाँ पे हम इंटरवल नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जहाँ से हमारा फंक्शन अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग कर रहा है, वो कैसे निकलेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स को 0। तो वहाँ से हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2 और 3 आ रही है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरवल का पहला अब टेबल बनेगा जिसमें पता लगेगा कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। यहाँ पे इंटरवल, उसके बाद यहाँ पे आएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के अंदर फैक्टर क्या क्या है, वेरिएबल्स के, ये नहीं कि 12 भी लिखोगे, वेरिएबल्स मतलब जिसमें एक्स आता हो। ये दो फैक्टर हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोड पता लग जाएगा। अब देखिए इंटरवल कैसे बनते हैं, इंटरवल बहुत आसान होता है। कैसे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, फिर माइनस का 2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 पहला इंटरवल, फिर माइनस 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब एफ डैश एक्स देखो हमारा कैसा आया, प्लस का 12, प्लस का 12 मतलब ये रहेगा पॉजिटिव, ये हमारा रहेगा पॉजिटिव। उसके बाद फिर माइनस 2 से छोटी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करूँ, माइनस का 3 पुट करेंगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 3 माइनस, ये भी आएगा नेगेटिव, माइनस का 6। माइनस 2 और 3 के बीच में आ रहा है 0, बाकी आप पॉइंट की वैल्यू भी ले सकते हैं अगर नहीं इंटीजर वैल्यू आ रही तो। 0 पुट करेंगे, 0 प्लस का 2 पॉजिटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, 3 से बड़ी वैल्यू 4, 4 प्लस 2 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब इसको लिखेंगे कैसे, दो इंटरवल में मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, तो लिखेंगे द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस 2 से 3। ये हमारे पास का आंसर आ गया। आंसर प्रॉपर ऐसे देना है, अगर दो या दो से ज़्यादा इंटरवल होंगे तो हमें यूनियन यूज़ करना होता है। ठीक है ना, और देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। एक आपका 6 का सी पार्ट है, ई पार्ट कर देते हैं, सी तो हो ही जाएगा आप लोगों से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब और एक्स माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के इंटरवल निकालने। तो सबसे पहला काम इसका डायरेक्टली करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट 2 लगेगा भाई, देखो x प्लस 1 का होल क्यूब ऐसा ही, जब इसका डायरेक्टली करोगे तो बाई चेन रूल होगा, पावर का 3 x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का 1 माइनस 0 प्लस का पावर, ये ऐसे ही सेम, और फिर इसका होगा x प्लस 1 क्यूब का x 3 x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का 1 प्लस का 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 को मना रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर को मना रहा है और x माइनस 3 का स्क्वायर को मना रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस का x माइनस 3, ये कितना हो गया 3 ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2x माइनस 2, ये हो गया 3 ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ 2 को मैं ले लूँगा तो बाहर आएगा 6, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो गया f डैश x। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे f डैश x को 0, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, यहाँ से आ जाएगी माइनस 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हुए ध्यान रखना कि सीक्वेंस में ही होना चाहिए, मतलब पहले माइनस 1 फिर 1 और फिर 3, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका हम लोग बनाएंगे टेबल। टेबल यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरवल, यहाँ पे एफ डैश एक्स, फिर इसमें एफ डैश एक्स के 3 फैक्टर हैं, 1 2 3, इनको यहाँ लिखेंगे। एक में आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर,
एक में आएगा x माइनस थ्री का स्क्वायर, एक में आएगा x माइनस वन। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो इंटरवल आपके पास, मैं इंक भी डाल देना, इंक डाल देना हमने इंटरवल। देखो एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, उसके बाद फिर माइनस वन से वन, और वन से थ्री, थ्री से इन्फिनिटी, ठीक है। और एफ डैश एक्स देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का सिक्स है ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। माइनस वन से छोटी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे क्या आएगा, माइनस का टू। मैं ये इसको एंटी क्लॉकवाइज करूँ ना, वैसे नहीं, ठीक है। माइनस वन से छोटी कोई भी वैल्यू माइनस का टू, यहाँ पुट करोगे माइनस का टू प्लस वन, माइनस का टू प्लस वन कितना हो गया माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर है तो आपका ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी आ गया पॉजिटिव, ये भी आ गया पॉजिटिव। अब माइनस वन से छोटी वैल्यू माइनस का टू यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा नेगेटिव, जीरो पुट करेंगे तो आएगा नेगेटिव, वन और थ्री के बीच में टू पुट करेंगे आएगा पॉजिटिव, थ्री और इन्फिनिटी के बीच में फोर पुट करोगे तो आएगा पॉजिटिव। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, माइनस मतलब डिक्रीजिंग, प्लस 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 माइनस मतलब डिक्रीजिंग, प्लस 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 इंक्रीजिंग हो गया, ये भी इंक्रीजिंग हो गया। तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में हो गया, किस में हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन दोनों में, वन से थ्री और यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन माइनस वन से वन में, ठीक है। नहीं खुला तो दिखाओ, ये उस दूसरी तरफ खुलता है, सबको लगता है इस तरफ खुलेगा। कोई बात नहीं, है ना भाई। उसके बाद ये क्वेश्चन अपना हो गया। एक क्वेश्चन हमारा इसमें बढ़िया सा है, एक एग्जांपल नंबर 47। एग्जाम्पल नंबर 47 है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3/10 एक्स की पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 36/5 एक्स प्लस 11। ये हमें दे रखा है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हमें इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका हमने डायरेक्टली किया विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 3/10 बाहर x की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 4/5 बाहर x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर का 2x प्लस का 36/5 बाहर x का डायरेक्टिव 1 11 का 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास 6/5 x क्यूब माइनस का 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 36/5। अगर हम यहाँ से 6/5 कॉमन ले ले तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5x और प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन, इसके मुझे करने हैं फैक्टर। क्यूबिक के फैक्टर करने के लिए देखो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है 6, इसके पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो गए, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, जिस पे हमारा फंक्शन जीरो आएगा ना तो वो एक्स की वैल्यू इसका वन ऑफ द जीरो हो जाएगी, जीरो से या फिर रूट। जैसे मैं एक्स को यहाँ पे वन पुट करके देखता हूँ, वन माइनस का टू माइनस वन, माइनस का वन माइनस का फाइव, माइनस का सिक्स प्लस का सिक्स जीरो। हमारा एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है, हमारा फंक्शन आ रहा है जीरो, जीरो आ रहा है। इसका मतलब एक्स माइनस वन क्या हो गया, इज वन फैक्टर ऑफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का एक फैक्टर बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बाई एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस का सिक्स और यहाँ पे एक्स माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, इससे कट गया आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस का सिक्स
माइनस का एक्स से क्या चले करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस सिक्स प्लस माइनस माइनस, इससे कट गया, ये आ गया माइनस का सिक्स एक्स। हाँ और यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट मैंने कुछ तो प्रॉब्लम करी है यहाँ पे, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं ना। यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या करा, ये आ गया मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस का फाइव एक्स आ गया प्लस का सिक्स, ठीक है। अब मैं अगर माइनस एक्स से चलता हूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स आएगा ना, फिर हो गया प्लस और माइनस, तो ये कट गया, ये आएगा माइनस का सिक्स एक्स प्लस का सिक्स, फिर माइनस सिक्स पुट करेंगे आएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस का सिक्स, ये आ गया जीरो, ठीक है। वैसे अगर कभी भी ऐसी वैल्यू सेलेक्ट होती है ना तो हमेशा कंप्लीट कट के यहाँ पे जीरो ही आएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब इसके फैक्टर भी कर लो, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसके फैक्टर क्या होंगे एक्स प्लस का टू और एक्स माइनस थ्री। तो हम अब इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, मार्कर हो गया, हम यहाँ पे इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, एक तो x माइनस वन और मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास f डैश x क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा हमारे पास 6 बाई फाइव ऑफ x माइनस वन एक्स प्लस का टू एक्स माइनस थ्री, बस ये फैक्टर करने नहीं आते बच्चों को, जिस वजह से क्वेश्चन ही नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे जीरो के, एफ डैश एक्स मेरा जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहाँ से आएगा वन और यहाँ से टू और यहाँ माइनस का टू और यहाँ से थ्री, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, माइनस का टू वन थ्री, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। हम यहाँ पे इंटरवल और यहाँ पे एफ डैश एक्स और उसके तीन फैक्टर आ रहे हैं, एक तो एक्स माइनस वन, एक एक्स प्लस का टू, एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। इंटरवल में देखो हमारे पास क्या क्या आएगा, एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस का टू और माइनस टू से वन, वन से थ्री, थ्री से इन्फिनिटी, ये हमारा आ गया इंटरवल। अब एफ डैश एक्स हमारा आया प्लस का सिक्स बाई फाइव, तो पॉजिटिव आ गया सब में। अब माइनस टू से कोई भी छोटी वैल्यू माइनस का थ्री पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस तो क्या आएगा नेगेटिव, माइनस थ्री पुट करोगे नेगेटिव और यहाँ माइनस थ्री पुट करोगे नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, माइनस टू और वन के बीच की वैल्यू जीरो, जीरो पुट करेंगे तो आएगा नेगेटिव, जीरो में आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, वन और थ्री के बीच में टू तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थ्री से बड़ी वैल्यू फोर तो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेगेटिव डिक्रीजिंग, इनकी मल्टीप्लाई में इंक्रीजिंग पॉजिटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ गया इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस टू से वन यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से माइनस का टू यूनियन वन से थ्री, ये हमारे पास का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा छः नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है 13, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साथ में एक्स की लिमिटेशन दे दी कि वो जीरो और टू पाई के बीच में लाई कर सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो देखो इसमें भी वही काम करना है हमें, डायरेक्टली पहले एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको हम लोग पुट करेंगे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर यह आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया वन, टेन एक्स इज इक्वल टू आ गया वन, ठीक है। अब टेन की वैल्यू वन, जीरो से टू पाई के बीच में कितनी वैल्यू होती है, जीरो से टू पाई मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है, जीरो से टू पाई के बीच में हर वैल्यू के दो एंगल होते हैं, देखो क्यों, आपका आपको ये जनरल पता होगा कि ये मेरा फर्स्ट क्वारेंट, ये सेकेंड क्वारेंट, ये हमारा थर्ड क्वारेंट, ये फोर्थ क्वारेंट, ठीक है। यहाँ का जनरल एंगल थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ पे टू पाई माइनस थीटा, तो टेन हमारा पॉजिटिव वन कहाँ पे होता है, टेन हमारा पॉजिटिव वन होता है तो यहाँ पे और
यहाँ पे, और वन कितने पे होता है हमारा, पाई बाई फोर पे, पाई बाई फोर पे। तो हमारा एक्स कितना आएगा, एक तो पाई बाई फोर आएगा और पाई प्लस का पाई बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई फोर और फाइव पाई बाई फोर, या आपके पास दो एंगल आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होता तो हम लोग क्या करते, हम इस वाले क्वाड्रेंट को लेते और इस वाले क्वाड्रेंट को लेते, तो उस केस में पाई माइनस पाई बाई फोर और टू पाई माइनस का पाई बाई फोर आता। अब इसको देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे ना, जब तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, पहला आ जाएगा पाई बाई फोर, दूसरा आ जाएगा फाइव पाई बाई फोर। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे ना माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लेंगे, हम लोग जीरो और टू पाई लेंगे क्योंकि हमारा इसने फिक्स कर दिया जीरो और टू पाई, और जीरो और टू पाई की वैल्यू भी फिक्स है, मतलब यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि जीरो और टू पाई हमें इक्वल टू दे रखा है, तो जब हम यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल है ना भाई, तो देखो इसमें इंटरवल और उसके बाद फिर एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल का फैक्टर नहीं है एक्स, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सीधा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही लिख देंगे, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो इंटरवल मेरे पास क्या आएगा, जीरो से पाई बाई फोर, तो जीरो टू पाई बाई फोर जब हम लिखेंगे पाई बाई फोर पे तो ओपन ही आएगा, मगर जीरो पे आएगा क्लोज, क्योंकि जीरो और टू पाई मेरी एंड लिमिट है, इसने दिया है कि क्लोज है, ठीक है। फिर आएगा पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, फिर फाइव पाई बाई फोर से टू पाई, इस पर आएगा क्लोज, यहाँ पे ओपन, ठीक है। अब देखो हमारा एफ डैश एक्स कैसा आया था, इसे मैं पॉजिटिव लेट कर सकता हूँ क्योंकि ये प्लस का ब्रैकेट है, उसके बाद मेरा कॉस माइनस साइन है, तो हम लेंगे प्लस का तीनों में, ये हमारे हो गए प्लस। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, देखो इसका मतलब क्या है कि हम जीरो भी पुट कर सकते हैं और जीरो और पाई बाई फोर के बीच के वाले पुट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया। भाई कॉस जीरो कितना होता है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, कॉस जीरो माइनस का साइन जीरो, कॉस जीरो वन माइनस साइन जीरो जीरो इज इक्वल टू वन, क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया। फिर पाई बाई फोर और फाइव पाई बाई फोर, पाई बाई फोर होता है 45 और 45 का 5 टाइम्स हो गया, जो भी आ रहा होगा आपका 235, तो उसके बीच में आपके पास क्या एंगल आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है इनके बीच में, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू माइनस का साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो साइन पाई बाई टू वन इज माइनस वन, तो ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब देखो इसमें हम 5 पाई बाई फोर से बड़ी वैल्यू 2 पाई तक और 2 पाई भी लिख सकते हैं, तो हम लोग 2 पाई पुट कर सकते हैं ना, और 2 पाई की लाइन यही होती है जो मेरे पास मतलब 2 पाई पे वैल्यू होगी साइन या कॉस की किसी फंक्शन की, वही हमारे जीरो पे भी होती है, तो आप 2 पाई की जगह पे जीरो भी पुट कर सकते हैं, एक ही बात है, मतलब साइन 2 पाई की वैल्यू इक्वल टू आपका कॉस 2 पाई सॉरी साइन जीरो के ही इक्वल होती है, और कॉस 2 पाई की वैल्यू भी हमारी कॉस जीरो के इक्वल होती है, तो इसका आंसर भी वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या हो गया, इंक्रीजिंग, प्लस माइनस डिक्रीजिंग, प्लस प्लस इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस में हो गया, एक तो जीरो से पाई बाय फोर यूनियन फाइव पाई बाय फोर से टू पाई, ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया हमारा पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद आपका इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ भी आपको रेंज दे रखा है, इसमें भी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल फाइंड करने हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छा देखो कई बार ना आपको क्या होता है, इंटरवल पहले से दिए होते हैं, उसके बाद वो बोलता है कि भाई क्या होगा इसका, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हमें ये बोल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, और ऐसे बोल दिया कि प्रूफ करो कि हमारा इंक्रीजिंग होगा इन जीरो से पाई बाय टू में, डिक्रीजिंग होगा पाई बाय टू से पाई में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, समझ रहे हो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा किस में, जीरो से पाई में, तो हमें वो इंटरवल पहले से दे देता है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, सीधा बस इंटरवल के बीच की वैल्यू पुट करनी है, इंटरवल हमें फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा, बस चेक करने के लिए बोल रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, देखो जैसे आपको एफ एक्स दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू
log sin x, आपने इसका डायरेक्टली किया f dash x, वो क्या आ गया 1 अपॉन में sin इनटू sin x का cos x, कितना हो गया cot x। बस अब आपको इस वैल्यू को चेक करनी है कि ये इसमें कैसा है 0 से π/2। जैसे कि फर्स्ट पार्ट करने के लिए, इस फर्स्ट पार्ट को करने के लिए मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू, इनके बीच में आता है पाई बाय फोर, मैंने पाई बाय फोर लेट कर लिया जो बिलोंग्स टू है 0 से π/2। ठीक है, तो मेरा f डैश पाई बाय फोर क्या आएगा, कितना आएगा cot पाई बाय फोर। अब cot 45 कितना होता है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड पार्ट के लिए अब मुझे इनके बीच में एंगल चाहिए। अब इसके बीच में एंगल बच्चे नहीं ले पाते ठीक से, वैसे आपको पता है कि 90 से 180 के बीच में आप 120 भी ले सकते हो, मगर अगर आपको बनाना है एंगल तो आप ऐसे बना सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था अभी कि पाई माइनस थीटा होता है, तो आप पाई माइनस पाई बाय फोर बना लो, पाई माइनस पाई बाय फोर कितना होगा 3π/4, तो 3π/4 जो मेरा एंगल होगा ना वो इसके बीच में लाई करेगा। तो मैंने सेकंड पार्ट के लिए लेट कर लिया x इज इक्वल टू 3π/4 बिलोंग्स टू पाई बाय टू टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे निकाला हमने f डैश 3π/4, वो कितना आ गया cot ऑफ 3π/4, यहाँ पे आ गया cot ऑफ पाई माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल टू, अब ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cot कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस का cot पाई बाय फोर ये हो गया -1, मतलब लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड, थर्ड वाले में देखो इसने 0 से पाई, अब आपको पता है कि ये चीज इंक्रीजिंग यहाँ थी डिक्रीजिंग यहाँ पे, तो आप क्या करोगे इसमें ये दोनों ही एग्जांपल लिख के दिखा दोगे। आप एक बार ये वाली वैल्यू पुट करोगे एट x इज इक्वल टू पाई बाय फोर, वहाँ पे आपका इंक्रीज आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू पुट करके दिखाओगे 3π/4, यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग आ जाएगा, और बोल दोगे कि एक ही इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस कंप्लीट इंटरवल के अंदर ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। ठीक है ना, जीरो पे इक्वल टू, हाँ पाई बाय टू नहीं कॉट 90 तो आपका जीरो हो जाएगा, हाँ उससे भी तो प्रूव कर सकता हूँ कि देखो ये जीरो पे, मगर बात है ना अगर उसने सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, अगर उसने इंक्रीजिंग बोला है तो आपको इक्वल टू वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, अभी तो हमने स्ट्रिक्टली के लिए लिख दिया सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन, तो इसलिए है ना हम मतलब जो इनइक्वालिटी है वो थोड़ी स्ट्रांग प्रूफ करते हैं। अगर इक्वल टू वाला पॉइंट है, जैसे मैंने हमारे क्या प्रूफ करना होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूफ करना होता है, तो हम अगर सिर्फ इक्वल टू जीरो पे ही चेक कर लेंगे ना तो हमारी इनइक्वालिटी स्ट्रांग नहीं है, जबकि आपने वहाँ पे 3 आंसर आ गया 5 आंसर आ गया तो आपको पूरी तरीके से बता रहा है कि वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग जीरो के लिए चेक नहीं करेंगे। तो अब देखो जैसे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है इफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन में 2 + x, इसने यहाँ पे ऐसे दे रखा है x ग्रेटर देन -1। ये चीज़ क्या होती है जो यहाँ ऐसे लिखी होती है, ये होता है डोमेन, डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यू जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब हमारा x ग्रेटर देन -1 होगा। अब इसने बोला है कि प्रूफ करो कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब इस डोमेन के अंदर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका कहने का मतलब है कि ये इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये होगा मतलब x ग्रेटर देन -1 होगा, तो ये आपको करना है। तो देखो इसका डायरेक्टली करेंगे क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू log का 1 अपॉन 1 + x, 1 + x का 0 + 1 माइनस इसमें कोसेंट रूल, तो 2 + x ऐसा ही 2x का डायरेटिव 2 माइनस का 2x ऐसा है 2 + x का 0 + 1 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर, यह आ गया 1 अपॉन में 1 + x और यहाँ पे आ गया 2x और माइनस का 2x अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर, ये कट गया। अब इसका एलसीएम अगर मैं लूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 1 + x और होल अपॉन में 1 + x और 2 + x का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 4 + x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 4 - 4x अपॉन में 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर।
इससे कट गया, इससे कट गया, ये हमारे पास देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड। अब मुझे इसे ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर लिखा है ये मैं इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखूंगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और क्या आ सकता है, जीरो। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर मेरा क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो सकता है, एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मेरा हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, मगर मैं एक्स की जगह पे माइनस टू नहीं पुट कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन है ना, माइनस वन से बड़ी हो। दूसरा, अब ये भी मेरा पॉजिटिव है, भी मेरा पॉजिटिव, तो मेरा dy बाई dx पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाली वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपका dy बाई dx भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो dy बाई dx ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब x ग्रेटर देन माइनस वन होगा, और dy बाई dx ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग। यहाँ पे लिखोगे, अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लगा जीरो लगाया, यहाँ मेरे को इक्वल टू भी लगाना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला मेरा क्या हो सकता है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाऊंगा। अब कोई भी डेरिवेटिव मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होता है, जब वो इंक्रीजिंग होता है, तो लिखूंगा मैं वाई इज इंक्रीजिंग वैन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हमें एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है उन्हें कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन में, हाँ बोलो भाई, ये है ना, इसका एलसीएम लिया है ना, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी और इनकी आपस में, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करा दिया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन आएगा 9 नंबर हमारा, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस का cos थीटा माइनस का थीटा, ये मुझे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल दे रखा है मुझे, है ना, तो 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट बाहर, इसका cos टू लगाएंगे तो 2 प्लस cos थीटा ऐसा ही, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा ही, 2 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा और होल अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का डेरिवेटिव हो गया 1, ये हो गया 4, 2 कॉस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, ये तो मिला के हो गया हमारे पास 1, और अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा ये 4 यहाँ पे 2 कॉस थीटा प्लस का 1 और माइनस का 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया 8 कॉस थीटा प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा और होल अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 4 गया तो आ गया 4 कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस कॉस थीटा और होल अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ किया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। सबसे पहले कॉस थीटा देखो, जो हमारा कॉस होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो भी वैल्यू लेता है, पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है, तो इसलिए जो हमारा कॉस थीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जीरो से पाई बाई टू में, है ना। अब फोर माइनस का कॉस थीटा, फोर माइनस का कॉस थीटा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है, आप उसके बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे और फोर में से माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमारा फोर माइनस का कॉस थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। सेम ऐसे अगर मैं टू में भी कोई माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू ऐड करूँगे स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो हमारा टू प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू, मतलब वाई क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? Thank you.